एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपके सामने क्वेश्चन वर्ड से जो प्रश्न बनाए जाते हैं उनके रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, चाहे प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से बने या क्वेश्चन वर्ड से बने, उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, बस अंतर केवल क्वेश्चन वर्ड का होता है शेष में। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, देखिए अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न बनाना, क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न बनाना। तो सबसे पहले तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, वैसे फिर रिपीट कर रहा हूं कि वे वाक्य जो यस अथवा नो से प्रारंभ न होकर सीधे सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं, उन वाक्यों पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं। और जिस क्वेश्चन वर्ड से हमें प्रश्न बनाना होता है वह सेंटेंस के साथ दिया होता है, अतः हमें प्रश्न बनाते समय उस क्वेश्चन वर्ड से जो संबंधित सूचना होती है उसको हम सेंटेंस में से हटा देते हैं। फिर जो बचता है उसको हम स्ट्रक्चर के आधार पर जमाते हैं। जैसे अब उसका स्ट्रक्चर है हमारा, देखिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, इस क्रम में जमाना होता है। इसमें से जो हटाना होता है उसको हम हटा देते हैं और शेष को हम इस क्रम में रखते हैं। केवल विशेष रूप से दो ही बातें ध्यान में रखनी होती है, सहायक क्रिया का यूज किस प्रकार से करते हैं और प्रोनाउन में परिवर्तन। बस कुछ क्वेश्चन वर्ड में एक दो बातें हैं जो अलग से हटके हैं, जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप मेरे साथ साथ लिखते भी जाएंगे। तो इसमें सबसे रूल्स अपन डाल रहे हैं यहां पर, रूल्स देखिए, जिस क्वेश्चन वर्ड से हमें प्रश्न बनाना होता है वह सेंटेंस के साथ, वह सेंटेंस के साथ देते हैं, अतः प्रश्न बनाते समय क्वेश्चन वर्ड से संबंधित सूचना को हटा दें, ये सबसे मुख्य पहला रूल है। शेष सारी बातें हैं वो आपको पहले बता चुका हूं, उनका रिपीटेशन हो चुका है। अब देखेंगे दूसरा रूल्स, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। नंबर तीसरा, प्रोनाउन में परिवर्तन निम्न प्रकार करते हैं, हालांकि ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, फ्री में आप लिखे, प्रोनाउन में परिवर्तन हम निम्न प्रकार करते हैं। किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूं, लिखेंगे
देखिए, ए फर्स्ट पर्सन, आई और वी, फर्स्ट पर्सन में आई भी होता है, को सेकंड पर्सन यू में बदलते हैं, बदलते हैं बी। अब सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में बदलते हैं, सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में सी, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में आता है नो चेंज। ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, और कुछ भी आ सकता है, वह हमारा चेंजेस नहीं होता है। रूल्स नंबर चार, चौथा लिखेंगे, यदि हमें भूसे प्रश्न बनाना हो, यदि हमें भूसे प्रश्न बनाना हो तो हू के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज तभी करते हैं जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो, अन्यथा नहीं। अब इसका कारण क्या है, क्यों हु के साथ, क्यों हु को हमारे सब्जेक्ट की जानकारी देता है और सब्जेक्ट हटा देंगे तो सहायक क्रिया किसके आधार पर रखेंगे, इसलिए इसको वाक्य में होने पर ही लगाते हैं। पांचवा रूल्स जो इम्पोर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन वर्ड अपने साथ, कुछ क्वेश्चन वर्ड अपने साथ नाउन लेते हैं, क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज, हम नाउन के बाद करते हैं, इसको मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं। देखिए, कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ज्यादा नहीं है, सब नहीं है, केवल कुछ है जो डायरेक्ट अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते। अन्य क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जिनके तुरंत बाद अपन क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आकर नाउन आता है, और हेल्पिंग वर्ब का यूज हम उस नाउन के बाद करते हैं। अब ये कौन कौन से हैं जो अपना नाउन लेते हैं वो देखेंगे। ये क्वेश्चन वर्ड निम्न है, ये क्वेश्चन वर्ड निम्न है, एक तो इसमें हुज, विच, हाउ मेनी, वे, हाउ मच, ये चार क्वेश्चन वर्ड है, एक तो हुज, विच, हाउ मेनी और हाउ मच, ये चारों क्वेश्चन वर्ड अपने साथ नाउन लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब यूज उस नाउन के बाद में होता है। तो ये है हमारे क्वेश्चन वर्ड को बताने के रूल्स। अब क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन वर्ड्स जिनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन से होंगे, क्वेश्चन वर्ड निम्न हैं, हू,
whom, whose, which, what, when, where, why, how, how many, how much, how old, देखिए, how old, how far, how deep, ये सब how से बनने वाले प्रश्न है। how long, कितने हो सकते, बहुत सारे प्रश्न हैं। अब ये क्वेश्चन वर्ड है, हुए नहीं होता है कौन, मीन किसी, हुज मीन्स किसका, विच, विच है कौन सा, या कौन सी हो सकता है, कौन सा या कौन सी, व्हाट इन क्या, व्हेन इन जब, वेयर, व्हेन इन कब, वेयर इन कहां, व्हाई इन क्यों, हाउ इन कैसी, ये कि हिंदी अर्थ इसके आधार पर हम सूचना पढ़ाते हैं। हाउ मेनी, इसका अर्थ है कितनी संख्या, संख्या को बताता है। हाउ मच, कितनी मात्रा। हाउ ओल्ड, कितना पुराना, या कितनी उम्र भी होती है, कितना पुराना, उम्र के लिए भी आता है। हाउ फार, कितनी दूर। हाउ डीप, कितना गहरा। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। देखिए ये सारे हमारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड से आप सभी इनको उतार लें, क्यों इनके अलावा शायद और क्वेश्चन वर्ड होगा जिनसे वो प्रश्न पूछेगा। हमें ये सब जानकारी रखनी है, वो है हमारे सब्जेक्ट की जानकारी देता है, देखिए हूँ ऑब्जेक्ट की जानकारी देता है, ऑब्जेक्ट में आता है पर्सन, जानकारी देता है, हुज या तो पजेशन के लिए, विच ये थिंग्स एनिमल्स में आता है, थिंग्स या एनिमल्स, वाट यानी क्या, ये वस्तु के लिए, थिंग्स ऑब्जेक्ट में आता है, ऑब्जेक्ट में थिंग्स, व्हेन एंड कब, ये टाइम को शो करता है, ये प्लेस, ये आपको रीजन बताता है, कारण, और ये बताता है मैनर, कार्य को किस प्रकार से करते हैं, ये संख्या को बताता है, ये मात्रा को बताता है, ये उम्र के लिए है, ये दूरी के लिए है, ये गहराई नापने के लिए, और ये लंबाई को बता रहा है, हाउ डिस्टेंस भी हो सकता है, हाउ लॉन्ग भी हो सकता है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस हैं, इनके द्वारा हम प्रश्न बनाते हैं। आशा करता हूँ आप सबने ये उतार लिए होंगे, और नहीं उतारे हो तो ये जरूर उतारें, तभी जाके आपके समझ में आएगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल जो बताने जा रहा हूँ, दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखूंगा। शी वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट द डॉक्टर, टू मीट द डॉक्टर। अब इससे प्रश्न बनाना है वाई, वाई मीन्स क्यों,
क्यों गई बताइए? कारण आएंगे डॉक्टर से मिलने, तो क्या आ जाएगा? वाई डिड क्यों सेकंड फ्लोर में, वाई डिड सी वेंट का क्या हो जाएगा गो, वाई डिड सी गो टू हॉस्पिटल, इस प्रकार से प्रश्न होता है। आई केम हियर बाई बस, आई केम हियर बाई बस, हमने हाउ कैसे, उसके बाद हाउ डिड यू कम हेयर, हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ किस प्रकार से आ। तो इस प्रकार से ये फ्रेमिंग क्वेश्चन के बिंदु आज आपका कंप्लीट होता है। आपकी ग्रामर में रूल्स तो मैंने लिखवा दिए, अधिक से अधिक एक्सरसाइजें हम हल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, धन्यवाद।